यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से शुरू हुआ बवाल मिर्जापुर पहुंच चुका है। अब तक मिर्जापुर में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था, लेकिन शनिवार की सुबह ये सिलसिला टूट गया। मिर्जापुर में युवाओं ने रोडवेज किदवई नगर डिपो की एयर कंडीशन बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस के दोनों तरफ के आगे के शीशे चकनाचूर हो गए और बस के चालक समेत कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई। बस पर पथराव करने के साथ रेलवे स्टेशन पर हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवी युवाओं को खदेड़ा, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आईं। पुलिस ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा लड़कों को हिरासत में लिया है। वहीं इस तरीके के हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पीएससी की भी तैनाती कर दी गई है। वहीं मिर्जापुर के जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में जिले की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लोग लड़के थे यहाँ पे, कुछ उन्होंने बस में तोड़फोड़ करी है, गिरफ्तारी भी हुई है, क्या है पूरा? देखिए, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमने पर्याप्त फोर्स और पर्याप्त ड्यूटियाँ लगा रखी है। अभी 10-15 मिनट पहले कुछ लड़के आए और उनमें से एक दो पत्थर उन्होंने बस पर फेंके, जिसपे किसी को चोट नहीं आई और हम तुरंत से मौके पर पहुंचे और उन लोगों को खदेड़ा है। और इसके अलावा कुछ अरेस्टिंग भी हमने यहाँ पर की है और मैं एसपी साहब और हमारे एडीएम एडिशनल एसपी और सभी लोग बिल्कुल पूरी फोर्स तैनात है और हम बिल्कुल यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सिचुएशन अभी जिले में क्या? अभी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस घटना को छोड़ दिया जाए जिसमें बस पे एक दो पत्थर फेंके और बस शीशा जरूर टूटा है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई और बाकी सभी लड़कों को खदेड़ दिया गया है, किसी प्रकार की स्थिति शांति व्यवस्था। कितनी जगह सब चिन्हित की गई है, अगर मिर्जापुर की बात करें, अलग अलग मिल रहे हैं? देखिए, ये अलग अलग जगह छोटे छोटे ग्रुपों में, जैसे जो गोरिल्ला प्रणाली होती है उस टाइप से हमको कुछ जगह से इनपुट मिले थे। नाम यहाँ पे पब्लिक करना ठीक नहीं है, लेकिन हमने सभी उन जगह पे पर्याप्त फोर्स लगाई है और हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह की ड्यूटी लगी है, सभी जगह पे हम वॉच करते हैं। दरअसल युवाओं को मजबूत बनाकर उनमें देशभक्ति और समाज सेवा की ललक पैदा करने के लिए सेना के तीनों अंगों में अग्निपथ योजना लागू की गई है, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। पहले साल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 23 साल रखी गई है। 4 साल की सेवा के बाद 25% युवा सेना में सेवा कर सकते हैं। सेवा के साथ पढ़ाई भी जारी रहेगी, जबकि बाकी लोग सेना की सेवा समाप्त कर दूसरी सर्विस कर सकते हैं। सरकार की योजना के लागू किए जाने की घोषणा के बाद से ही देश के तमाम हिस्सों में उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। इसे देखते हुए शुक्रवार को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन छावनी में बदल दिया गया, लेकिन सवाल ये कि ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी कब तक फूकी जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।